नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज के हेडलाइंस पर। मीरापुर के मदरसा इस्लामिया रहीमिया में लगाया गया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। मीरापुर पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला, भाजपा नेता पंडित दीपक के दिवंगत चाचा को दी गई श्रद्धांजलि। जानसठ विकासखंड के विद्यालयों में मनाया गया मीना का जन्मदिन। मिशन आत्मनिर्भर के तहत मुजफ्फरनगर की ग्रामीणी महिलाओं ने संभाली खेती की कमान, गन्ने की फसल की पोत बनाई। चरथावल में धमकीबाज नेता पर पुलिस की कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई के नोटिस ढोल नगाड़ों के साथ लगाए। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी ने शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मदरसों की हाई लेवल जांच की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर सपा अधिवक्ता सभा ने नए पदाधिकारियों को सौंपे मनोनयन पत्र, किया स्वागत। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी। चरथावल के गांव पीपलछा में ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का स्वागत समारोह किया गया आयोजन। चरथावल विधानसभा में सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा। चरथावल पहुंची सपा की साइकिल यात्रा, नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी ने किया स्वागत। रामराज में हुआ हलचल इंडिया की खबर का असर, खबर चलने के तुरंत बाद खुलवाए गए शौचालय।